अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उस दिन आप लोगों ने एएसएमआर हब पे मेरा व्लॉग देखा था और ये एरिया कितना गंदा हुआ था। कल मैंने इसको धोया है। अब मैंने सोचा राजपूत एएसएमआर पे कोई व्लॉग जो है वो अपलोड करते हैं। सारा धोया है और फिर मैंने टब वगैरह धो के पानी भरा है। ये भी, ये बकेट भी और ये भी हमाम भी, ये जगह सारी धोई है। यहाँ ऊपर से मैंने शेप्स उठा के सारी नीचे रखी हैं क्योंकि धूप लगती है तो सब ख़राब हो जाती हैं। फालतू जितनी भी थी वो मैंने फेंकी हैं। ये देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं। पता नहीं मैं क्यों उठाकर मुंह उठाकर एक दो बना देती हूँ एक ही जैसी, हालांकि बेशुमार बेइंतहा शेप्स हैं। मैं कल ही नोटिस कर रही थी, ये देखें हर तरह की हैं, जॉइंट हैं, स्मॉल हैं, स्लैब्स हैं, स्मॉल सारी ये मैंने इधर इकट्ठी की हैं, बड़ी बड़ी भी हैं, इसके अलावा मेटल में भी हैं, हार्ट शेप है, रेक्टेंगुलर है, हर तरह की है, फ्लावर शेप है इस तरह की, ये तो जग शेप्स हैं। फिर मैंने कुछ न्यू लाई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जगह भी मैंने धोई है, टब वगैरह साफ़ किए हैं, धोए हैं। अभी मैंने ये लिफाफे में से निकाली हैं, एक ये शेप, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये अब ठीक नज़र आ रहा है, ये 850 की शेप है, ये सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं थी। ये मैं दो ले आई हूँ क्योंकि आपको पता है ये जल्दी टूट जाती हैं, ये कच्ची होती हैं, लेकिन ये है कि डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था तो इस वजह से ये फ्लावर शेप मुझे, ये आप लोगों को पता है हम सब यूज़ करते हैं नमक वगैरह डालने के लिए, ज़ाहिर है मुझे मैंने बीच में से ये तो नहीं यूज़ करनी, ये मेरे काम की नहीं है, लेकिन ये फ्लावर मुझे डिफरेंट लगा, मेरे पास ऐसा नहीं था तो मैं ले आई हूँ। इसके अलावा ये राउंड मून केक मैं एक लेकर आई हूँ, मून शेप है, ठीक है आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ ये। और एक मैं ब्लॉक ले आई हूँ, हालांकि थे लेकिन मैंने कहा शायद ना हो तो मैं एक ब्लॉक शेप ले आई हूँ ये, यानी कि हमारे पास तकरीबन कितनी होगी, ये हम लोग बीच में रख के यूज़ कर सकते हैं, बल्कि छोटे छोटे हार्ट भी बन सकते हैं। ये एक दो तीन, ये समझो हम एक ही कंसिडर करेंगे, चार पाँच, ये पाँच डिफरेंट न्यू शेप्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द जो है वो देखेंगे। बाकी ये भी एरिया मैंने सारा साफ़ किया है। छत का आप लोगों को दिखा देती हूँ, छत पे अभी मैंने काम करना है। आज मैं लेट ही आई थी छत पे, तो मैंने कुछ दो वीडियोस शूट की हैं, एक ये आप लोग एएसएमआर हब पे देखेंगे और ये वाली आप लोग इसी चैनल पे राजपूत एएसएमआर पे देखेंगे। बस अब टेक्स्चर बनाने वाले हैं ऊपर वाले छत पर, ये ड्राई हो रही हैं, नीचे वाली भी ड्राई हो रही हैं, इंशाल्लाह कल तक काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएंगी तो मैं इनकी वीडियोज़ शूट कर लूँगी, फिर हम लोग न्यू बनाएंगे। ये डैमेज आप लोगों को मैंने बताया था ऐसे हमारा पे कि बारिश की वजह से हुई हैं, तो इस वजह से फिर ये थोड़ी रफ़ रफ़ हैं, बट इंशाल्लाह हम लोग आगे नीट करके बनाएंगे एक एक करके शेप। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिखा दूँ। ऐसा करते हैं अभी आप लोगों के साथ कोई शेप मेकिंग शेयर कर देती हूँ, कौन सी हम लोग बनाएँ। ये तो प्योर मड है, इस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसा करती हूँ प्योर रेड डर्ट को हम लोग पलटते हैं और इसकी शेप मेकिंग कर लेते हैं। ये मैंने रेड डर्ट सारी जो है वो एक जगह पर पलट दिया टब में से, और अभी जगह भी वहाँ से साफ़ किया है। ये हम लोग न्यू शेप बनाएंगे। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये प्योर सैंड मैंने सिफ्ट करके ऊपर शिफ्ट कर दिया है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो कल एएसएमआर हब पे इसका टेक्सचर रीन्यू सीरीज़ का लास्ट पार्ट हम लोग शेयर करेंगे। और क्योंकि अभी इस पर टाइम लग जाता है, सीमेंट वगैरह मुझे सारा कुछ मिक्स करना होगा, तो वो मैं इकट्ठे करके कल रखूँगी, तो इंशाल्लाह फिर वो एएसएमआर हब पे आप लोग देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग ये यहाँ पर मैं कैमरा सेट करती हूँ और ये न्यू शेप बनाते हैं ऐसे, दो चार आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, फिर इसके बाद थोड़ा मगरिब हो जाएगी। ये जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा इजीली नज़र आ जाए, आई थिंक यहाँ ठीक है, ये न्यू शेप है। लेट्स सी, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने लगी हूँ, इसमें पानी ज़्यादा है लेकिन है रहा, क्योंकि ये रेड डॉट बहुत सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है, पानी जितना भी ज़्यादा हो तो ये हार्ड नहीं होती, ठीक है। तो ये हम लोग डाल देंगे और अच्छे से टैप करेंगे, बाल जो हाथों के साथ लगते हैं उनको साइड पे कर देंगे, और ये हम लोग अच्छे से टैप करेंगे ताकि कॉर्नर्स वगैरह में प्रॉपर रेड डॉट चली जाए। एक्साइटेड फॉर दिस शेप क्योंकि मैंने पहली बार लाई है, और देखते हैं कि कैसे निकलती है। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, टर्न करेंगे कैमरा को, ये साफ सुथरी जगह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह
माशाल्लाह बहुत हसीन परफेक्ट अच्छी शेप निकली है ईजीली। ये आप लोगों को ये देखें क्लियर आप लोगों को नज़र आ जाए। इसी तरह हम लोग एक और निकालते हैं, ये प्योर एडर्ट है, इसमें सिर्फ वाटर ऐड है। अभी मैंने वीडियो शूट की जो आप इसी चैनल पर या तो देख चुके होंगे या देखेंगे। अच्छे से ये मेरा चैनल सस्पेंड हो चुका था 3-4 दिन पहले, फिर मैं मुझे कल ही शुक्र है मैंने अपील की है तो वो फिर मुझे उन्होंने रिकवर कर दिया। बाई मिस्टेक वो सस्पेंड हुआ था तो मैं काफ़ी परेशान थी। अच्छे से डालेंगे ताकि सही कॉर्नर्स प्रॉपर। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अच्छी निकली है। इसी तरह नेक्स्ट वन। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी चैनल्स जो हैं वो हमारी एडिट वीडियोस यूट्यूब पे स्पेशली डालते हैं उनको सपोर्ट मत करें, क्योंकि हम लोग उनको अलाउ नहीं करते, वो हमारी वीडियोस स्टील करते हैं और फिर डाल देते हैं अपने चैनल्स पे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को जो है वो आप लोग सपोर्ट मत करें, क्योंकि हो ना हमारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हों और मिलियंस में व्यूज़ हों तो चलें हैर है फिर कुछ समझ आती है, लेकिन आपको पता है हमारे खुद ये बहुत अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ काम है और इसमें व्यूज़ भी गेन करना काफ़ी मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे एक कंट्री में जो है वो इतना कोई इस चीज़ को समझता नहीं है तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है क्या नहीं, तो फिर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर हमारी जो है वो मेहनत मुफ्त में कोई ना कोई ले जाता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करें। ये देखिए अच्छे से टैप करके देन वी विल पुट इट ऑन द फ्लोर। यहाँ डाल देते हैं, ये थोड़ी सी डैमेज हुई है बट इतनी नहीं है, इसको हाथ से ही ठीक कर लेंगे। ठीक है, एक और आप लोगों के सामने निकाल देती हूँ, फिर बाकी बिहाइंड द कैमरा मैं निकालूंगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। ये काफ़ी अरसे से रेड डर्ट पड़ी थी, इसकी शेप्स 4-5 की बची थी जॉइंट बकेट्स की, बारिश में गीली हो गई थी तो वो आज मैंने फिर शूट कर दी वीडियोस उसकी वीडियो और फिर मैंने कहा लीव नीट करके बनाऊं। अब मेरा छत का काम ज़्यादा हो गया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर्स बनाने हैं, साथ साथ बनते रहें साथ साथ वीडियो शूट होती रहें फिर ईजी होता है, लेकिन ये जो बारिश वगैरह से फिर काम का जो हर्ज होता है ना फिर काफ़ी हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है और फिर एक दिन में सारे बन भी नहीं सकते। ये देखें जी हम लोग माशाल्लाह, अब हम लोग बाकी निकाल लेते हैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये देखें जी ऑल शेप्स आर डन एंड रेडी टू ड्राई अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5, 10, 15, 20 शेप्स बनी हैं, ये एक्स्ट्रा बचा था साइड पे तो अब हम लोग इनको ड्राई होने देते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, चाहे वो एसएमआर हब पे हो या राजपूत एसएमआर पे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को न्यू शेप्स कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।